कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, गीता उसको पूरी जैसे कंठस्थ थी, गीता का पाठ करती थी, कृष्ण की पूजा करती थी। इनके पिता ज्योतिषी थे और पिता ने जब इनकी जन्मपत्री बनाई थी तो उस समय इनको जैसे आभास हुआ कि मेरी बेटी शादी नहीं करेगी, ये मीरा बाई की तरह अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी, भगवान को देगी। तो इस हिसाब से बहुत इनके प्रति श्रद्धा थी। अब सवेरे तो इसने साक्षात्कार किया, दिन में जब स्कूल गई तो इनकी एक फ्रेंड ने कहा कि यहाँ एक सत्संग होता है, तुम चलोगी, वहाँ कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब इसको लगा कि कहीं वही तो नहीं है, पर किसी को बताया नहीं। और शाम को जब घर आई स्कूल से, तब पिता ने इनको कहा कि बेटी हम बहुत सुन रहे हैं, एक दादा लेखराज के वहाँ सत्संग होता है और हर एक को कृष्ण का दर्शन होता है, तुम जाकर देख कर आओ, तुम भी कृष्ण की इतनी भक्ति करती हो तो वहाँ कृष्ण के दर्शन कैसे होते हैं, देख कर आओ। तो अब जैसे ही ये गई सत्संग में तो बाबा को देखते ही ये ध्यान में चली गई और इनको सत्संग, इनको उस सत्संग में कृष्ण का दर्शन हुआ और ये जैसे रास कर रही है। अब सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए पर ये जैसे वहीं बैठी है ध्यान में। और बाबा इनके पिता को जानते थे क्योंकि ज्योतिष थे, तो पूरे छोटा सा शहर था हैदराबाद सिंध, सब बुज़ुर्ग लोग एक दो को जानते थे और ये भी जानते थे कि ये जो बच्ची है, इनके पिता ने कहा है कि मेरी बेटी तो मीरा बाई की तरह है। अब बाबा ने उस समय एक स्कूल खोला था, स्कूल बाबा ने बनाया था, जिस स्कूल में बाबा चाहते थे कि वो विद्या तो जो दुनिया में देते वो तो मिले ही, लेकिन साथ साथ जो भारत के शास्त्र है, गीता है, इन पर भी अध्ययन हो, ग्रंथ है मानो, इन पर भी अध्ययन हो, ये भी स्कूल में सिखाया जाए, खाली वो दुनियावी विद्या नहीं। तो ये कौन सिखाए, उसके लिए कुछ ऐसे समर्पित व्यक्ति हो जो सिखाए। तो बाबा ने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हम टीचर चाहते हैं जो अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करे, और तुम्हारे तो पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी तो श्री कृष्ण को अर्पित है, तो आप अपने पिता से पूछ के आओ कि क्या आपको अर्पित करेंगे श्री कृष्ण को, और आप स्कूल में ये आध्यात्मिक ज्ञान दो, गीता का ज्ञान दो। तो अपने पिता को जैसे ही पूछा, पिता ने कहा बच्ची तुम तो हो ही कृष्ण को अर्पित। तो बाबा ने उनको कहा कि एक चिट्ठी लिखा के लाओ कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। तो चिट्ठी लिख के दिया पिता ने और अगले दिन से स्कूल नहीं गई, बस छुट्टी हो गई। ऐसे करते करते अनेक बहनें समर्पित होती गई बाबा के पास होती गई, मानो एक क्रांति हो गई। कुमारियों माताओं को ये साक्षात्कार बहुत हुए और एक एक करके कैसे समर्पित होते गए। अब समर्पित होने के बाद फिर एक तीसरी क्रांति की बात क्या हुई, दूसरी थी कि स्त्रियां, महिलाएं, बहनें वो समर्पित हुई। और तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि शिव परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये नाम रखा ब्रह्मा कि आपके द्वारा अब नई सृष्टि की रचना करनी है, सब शिव परमात्मा का कार्य था। बाबा कहते थे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये मैं तो कर नहीं रहा हूँ। तो तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि परमात्मा ने सबको आदेश दिया, इन सबको, कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो सब ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। उसमें कुछ छोटी उम्र वाले भी थे और बड़ी उम्र वाली बहनें भी थी, भाई भी थे, परिवार भी थे, सब एक एक करके समर्पित होते गए। अब जब ये प्रतिज्ञा की तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि ये प्रतिज्ञा कैसे आपने इनसे कराई, आप तो 60 वर्ष के हो गए, चलो बूढ़े हो गए, पर इनसे कैसे कराई ये प्रतिज्ञा, ये तो भी छोटे हैं। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बाबा गीता उठाकर पढ़ने की कोशिश करते थे, अब पुस्तक ही उनके हाथ में थी, खोली भी नहीं थी कि शिव परमात्मा उन आकर के उनके मुख से वाणी चलाते थे और बाबा सोचते थे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई और शक्ति बोल रही है मेरे द्वारा। एक सचमुच एक ऐसे आश्चर्य की बातें हुई उस समय।
पर लोगों ने विरोध भी किया, वो क्या जाने ये कौन सी शक्ति काम कर रही है, वो सोचते थे ये बाबा कुछ अपनी तरह से जादू कर रहा है। और बाबा कहते थे नहीं, जब परमात्मा ने मुझे भी आदेश दिया तो मैंने भी इनका पालन किया, मैं भी तो आपके समान ही हूँ। बाबा का परिवार तो उनके साथ ही था, कोई छोड़ के सन्यासी तो बन नहीं गए, अपने परिवार में थे, बहुत बड़ा घर था, तो काफ़ी सारे आते गए, समर्पित होते गए। पर जब बहुत ज़्यादा हो गए और विरोध थोड़ा हुआ तो परमात्मा का उनको आदेश था कि अब ये सब समर्पित हो। तो जो 18 साल से ऊपर थे तो वो तो यानी अपने पांव पर थे, तो वो जो अपना डिसीशन लेवे। तो फिर कैसे बाबा ने हैदराबाद सिंध से ट्रांसफ़र किया और सारा परिवार कराची में आ गया। और कराची में क्योंकि वो बड़ा शहर, हैदराबाद सिंध छोटा शहर, तो कराची तो जैसे मुंबई की तरह इतना बड़ा शहर और हैदराबाद सिंध लाइक पूना, हाँ, 3 घंटे का फासला था। तो कराची में बाबा ने बहुत सारे मकान किराए पर लिए और 385 भाई बहनें, जिसमें कन्याएं माताएं ज़्यादा थी, इन सब ने अपना जीवन समर्पित किया और तपस्या करने लगे। और फिर ये शॉर्ट्स और शर्ट पहन करके सवेरे सवेरे क्लिफ्टन बीच पर जाते थे। कराची में जैसे मुंबई में जूहू बीच है, वैसे वहाँ क्लिफ्टन बीच है, बहुत ही सुंदर है, अभी भी बताते हैं, बहुत सुंदर वो स्थान है जहाँ सवेरे सवेरे ये टहलने जाते थे और वहाँ एक्सरसाइज करते थे और तपस्या करते थे सागर के सामने। और कैसे वहाँ पर सवेरे जाते थे, फिर दिन भर में तपस्या करते थे। और 14 साल 1937 से लेकर 1950 तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा सरस्वती, ये नाम परमात्मा ने राधिका को दिया, और मम्मा मात पिता, ये अलौकिक मात पिता के रूप में थे। और इन्होंने कैसे ये 385 भाई बहनों की पालना की और 14 साल वहाँ रहे कराची में। और इन्हीं 14 सालों में 1937 to 1950, इन 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे लाखों लोग मारे गए, और वो समाप्त तब हुआ 1945 में, 39 to 45 था, 45 में जब अमेरिका ने एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया और दोनों शहर नष्ट हो गए। और कैसे उस समय भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत ज़ोर पकड़ रही थी, और आप जानते हैं 1947 में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, खून की नदियां बही, और ये संस्था वहीं थी, तपस्या कर रही थी, बहुत इनकी रक्षा हुई। कैसे परमात्मा ने तो इनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, कैसे अंदर ही अंदर ये तपस्या करते थे। उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध प्रांत का, प्रोविंस का, वे बाबा के बहुत अच्छे मित्र थे, और बाबा को उन्होंने कहा कि आप लोग ये देश मत छोड़ो, आप लोग हिंदुस्तान मत जाओ, यहीं रहो, आप अगर यहाँ रहेंगे तो हमारा देश पाक बन जाएगा। भले नाम पाकिस्तान था पर पाक स्थान माना पवित्र स्थान बन जाएगा, आप लोग यहीं रहो। पर शिव परमात्मा का आदेश मिला कि जब 1950 में भारत गणतंत्र बन गया, सब कुछ बंटवारा पूरा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बन गया, सब माना समझौते पूरे हो गए, उसके बाद परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत जाओ, भारत विश्व का लाइट हाउस बनेगा, और पहाड़ पर जाओ, क्योंकि भारत से ही सारे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश मिलना है, शांति का संदेश मिलना है, और आपको ये संदेश सारे विश्व में देना है, तो इसलिए भारत में जाओ और एक पहाड़ पर जाओ। और जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात कही कि हम तो भी भारत जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बाकायदे एक जहाज़ दिया
और सब सामान ले जाने के लिए कहा, यानी कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, सब कुछ। तो ये दिखाया फोटो कैसे वहाँ बैग बैगेज सब पैक्ड है और इंतज़ार कर रहे हैं जहाज़ का, और उस समय एक जहाज़ उनको दिया ताकि वे सब कुछ सामान उस जहाज़ में ले जाए। और कैसे भारत में इनका आना हुआ, सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है वहाँ पर ये उतरे, ये जहाज़ में बैठे इंतज़ार कर रहे, क्योंकि कराची से सौराष्ट्र में आना बहुत दूर तो नहीं है, तो वहाँ से ओखा बंदरगाह है जामनगर के पास, तो वहाँ उतरे और वहाँ से ट्रेन द्वारा आबू रोड आए। आबू में इन्होंने यहाँ मकान किराए पर लिया माउंट आबू में, और ये 1950 की ट्रेन है जो आप देख रहे हैं। तो 14 साल इन्होंने जो कराची में तपस्या की, तो बहुत शक्ति उन्होंने भरी, तो दुनिया का मुंह नहीं देखा 14 साल तक, और वाप भारत में जैसे आए फिर दुनिया को देखा कैसी दुनिया है, और आबू रोड स्टेशन पर उतरे माउंट आबू में, यहाँ उनका रहना हुआ। ये भी परमात्मा का उनको आदेश मिला। और ये जो माउंट आबू है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल हैं चारों ओर, और जब गर्मियों के दिन होते थे अप्रैल मई जून, तो जो यहाँ राजस्थान सौराष्ट्र गुजरात इनकी जो राजाएं थे, अब राजाई बहुत थी चारों ओर, तो ये राजाएं अप्रैल मई जून में माउंट आबू आके रहते थे। इनके यहाँ समर पैलेसेस हैं, तो गर्मी के दिनों में जैसे इनका कैपिटल माउंट आबू होता था, और वहाँ से अपने अपने शहरों से आते थे, तो यहाँ अलवर पैलेस है, बीकानेर पैलेस है, जोधपुर पैलेस है, जयपुर पैलेस है, बहुत पैलेसेस है चारों तरफ। तो भरतपुर राजा का महल इन्होंने चुना, जो हाँ जो किराए पर लिया, क्योंकि 1950 में जब सब रजवाड़े भारत गणतंत्र में समा गए तो वो इतने सारे अपने पास प्रॉपर्टी रख नहीं सकते थे, उनकी सीलिंग हो गई, प्रॉपर्टी की सीलिंग। तो इन्होंने क्या किया, राजाओं महाराजाओं ने या तो बेच दिया, या तो स्कूल बनाए, या तो होटल्स। तो माउंट आबू में जितने भी पैलेसेस हैं या तो होटल है या तो स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल्स हैं चारों तरफ, बहुत बोर्डिंग स्कूल्स हैं यहाँ भी। अब आप माउंट अभी ज्ञान सरोवर आप आए होंगे तो लेफ्ट साइड ही बहुत बड़ा महल जैसा है, कासल जैसा, वो अलवर पैलेस है, वहाँ आर्य समाजियों का स्कूल चलता है, बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पर उनको कैसे संस्कृत सिखाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो और कई ऐसे स्कूल्स हैं, या तो होटल्स हैं, नक्की झील जाएंगे उसके सामने पहाड़ पर जयपुर पैलेस है, अभी वो होटल है, तो इसीलिए होटल्स बन गए। माउंट आबू का उद्योगी ये होटल्स एंड हॉस्टल्स, क्योंकि देश विदेश के बच्चे भी यहाँ माउंट आबू में पढ़ते हैं, तो यही यहाँ का उद्योग है। तो होटल्स हॉस्टल्स एंड दुकानें, बस यही है, कोई उद्योग तो और रूप तो है ही नहीं। हिल स्टेशन है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और चारों ओर बाकी जंगल है, यहाँ भी आप आए होंगे जंगल ही जंगल है। तो बाबा कैसे यहाँ माउंट आबू में आकर के तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, सब बच्चे भी आकर के कैसे पहाड़ों पर जा कर के तपस्या करते थे, बहुत सुंदर। उनको 2 साल इन्होंने यहाँ माउंट आबू में तपस्या की। फिर जब इनके रिश्तेदारों को पता चला, जो भारत में आ गए थे पहले से, उनको पता चला कि ये संस्था भारत में स्थानांतरित हुई है और माउंट आबू में है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के आपने जो पाया है वो हमको भी आके सुनाओ। तो बाबा ने कैसे उनको भेजा दिल्ली में, ये हमारी बहन है मनोहर इंदिरा दादी, इनकी फैमिली दिल्ली में रहती थी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आके हमें ये ज्ञान दो। तो जैसे ये दिल्ली गई तो वहाँ पर ये ओम की ध्वनि करती थी, अपने घर में अपने परिवार वालों के सामने भाषण करती थी, तो इनसे उनकी फैमिली वालों ने देवी के दर्शन किए, देवी का साक्षात्कार इनसे करते थे। तो इतनी वो भी एक जैसे आवाज़ फैल गया कि एक देवी पहाड़ से आई है, पहाड़ से उतरी है धरती पर, एक देवी आई है, क्योंकि
दुर्गा अम्बा के दर्शन इनसे होते थे, तो दूर दूर से लोग आते थे इनका दर्शन करने के लिए। मंदिरों से निमंत्रण मिले कि आप आकर के यहाँ पर सत्संग करें, और वहाँ भी उनसे देवी का साक्षात्कार होता था। मानो धूम मच गई दिल्ली में, ये 1952 की बात है। और फिर वो मंदिर भी छोटे पड़ने लगे, तो जमुना के किनारे पर बैठ करके आप सत्संग करते थे, और वहाँ पर भी बहुत लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। एक मास तक तो जैसे दिल्ली में धूम हो गई, 52 की बात है। और तो जब वापस इन्होंने सोचा अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि कितना समय मैं यहाँ रहूँगी, मुझे तो माउंट आबू जाना है। तो लोगों ने कहा आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर ये चाहते हैं कि आप और समय रहो तो उनको कहो कि एक मकान लेकर दो, तब हम वहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में भी कहाँ तक रहेंगे, सत्संग कहाँ तक करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मकान लेकर देंगे। तो 1952 में माउंट आबू से बाहर दिल्ली में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला दिल्ली में, और उसके बाद भारत के कोने कोने में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए, और वहाँ से भाई बहनें आते रहे, माउंट आबू आते रहे, और मम्मा वो भी चारों तरफ जाती रही। लखनऊ में मम्मा गए हैं, उनका बहुत सुंदर भव्य स्वागत था। कानपुर में गए, यूपी में बहुत सारे हमारे सेवा केंद्र खुले, साउथ में खुले, नॉर्थ में खुले, चारों ओर खुलते गए। और दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ अधिकतर रहती थी। मम्मा तपस्या करती थी तो कैसे दादी जी भी उनके साथ रहते थे, दादी प्रकाशमणि। और मम्मा की तपस्या इतनी ऊंची थी कि धीरे धीरे कैसे वो विदेह स्थिति को प्राप्त करती गई। और 1965 24 जून को मम्मा ने एट द एज ऑफ 46 अपना देह त्याग किया। लेकिन बहुत तपस्या की उन्होंने और इस उम्र में त्याग किया। और उनकी फिर दीदी मनमोहिनी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। दीदी मनमोहिनी भी उस समय 1936 में आई थी, और वो बहुत बड़े फैमिली की थी, बड़ी फेमस फैमिली इनकी, जो मुंबई में जैहिन कॉलेज, केसी कॉलेज है, जसलोक हॉस्पिटल है। तो जो हैदराबाद सिंध से सिंधी लोग आए भारत में, मुंबई में इन्होंने कॉलेजेस खोले और हॉस्पिटल्स खोले और भी जगह पर। तो जसलोक हॉस्पिटल इनके चाचा चाची थे, जसुमती लोकुमल, तो जसुमती लोकुमल के नाम से जसलोक हॉस्पिटल, ये इनके अंकल आंटी थे। तो इनके मतलब पूरा परिवार, इनकी बहुत बड़ी बिजनेस थी हैदराबाद सिंध में। लेकिन ये जैसे बाबा के पास आई, बाबा से इनको इतने साक्षात्कार हुए, जो फट से अपना जीवन इसमें समर्पित किया। इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए समर्पित हो गए इनकी माँ और ये दोनों माँ बेटी। तो कैसे समर्पित हो गए, ऐसे बहुत समर्पित हुए। तो दीदी मनमोहिनी ने ये कार्य संभाला एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य सब बहनों को दिया। जो भी उनकी चल अचल प्रॉपर्टी थी वो सब बाबा ने माताओं बहनों के नाम विल कर दी, इसलिए खुद जैसे न्यारे हो गए। तो कैसे दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया, तो कैसे 1965 से 1983 तक आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रहे, और बाबा बाहर जाते रहे। बाबा बहुत, ये दिल्ली में बाबा गए हैं, वहाँ छोटे बच्चियाँ बाबा के आगे गीत गा रहे हैं। और फिर माउंट आबू में बहुत जगह से भाई बहने आते थे, परिवार आते थे, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और बाबा कैसे बच्चों की इतनी प्यार से पालना करते थे, अलौकिक माता पिता के रूप में बाबा ने पालना दी, लेकिन ज्ञान भी इतना ही ऊंचा दिया। सबका मालिक एक, वास्तव में परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, वो शिव है, वो कल्याणकारी है, उसको याद करो, क्योंकि वो परमात्मा ने यही भारत के अंदर हमारी संस्कृति बनाई। परमात्मा कहते ये संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा संसार परिवार है ये समझना है।
तो जाति धर्म भाषा के जो भी भेद आज दुनिया में है परमात्मा ने सब खत्म किए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें दिया। तो इस संस्था में हर एक आ सकता है। तो कैसे बाबा पत्र लिखते थे, बाबा को जो पत्र लिखते थे बाबा उनको जवाब देते थे। मैं भी 1959 में संस्था में आई हूँ, तब मैं 11 साल की थी और बाबा को देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सच्चे पिता हैं। तो बाबा मुंबई में बहुत आते थे, मुंबई तो खास क्योंकि गर्मी के दिनों में दिसंबर जनवरी फरवरी में आबू में बहुत सर्दी होती थी, तो बाबा बॉम्बे में आते थे क्योंकि बॉम्बे का मौसम तो सदा हमेशा ही कोई ठंडी तो वहाँ होती नहीं, तो बाबा बॉम्बे आते थे। तो मैं मुंबई में तब स्कूल पढ़ती थी और मैं बाबा के पास आई, फिर तो कॉलेज भी पढ़ने लगी, जैन कॉलेज में पढ़ती थी। 1967 में मेरे घर में सब कहते थे तुम डॉक्टर बनो, तो मेडिकल लाइन लो, MBBS करो। तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा था और बाबा सब पत्रों का जवाब देते थे, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा घर में सब कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तो मेडिसिन लो, MBBS करो, बाबा मैं क्या करूं। बाबा मुझे जानते थे क्योंकि मैं माउंट आबू भी कई बार आई और बाबा बॉम्बे भी आते थे। मैं बाबा के आगे इंग्लिश में लेक्चर्स देती थी क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी मुंबई में, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था। बाबा कहते थे बच्ची बाबा तुमको विदेश भेजेगा, सेवा करने तुमको विदेश भेजेगा। तो जब मैंने बाबा को पत्र लिखा कि घर में कहते डॉक्टर बनो, तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा कि बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीद है और बाबा चाहते हैं तुम पढ़ाई पूरी करके रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र लिखा, तो बाबा की आज्ञा माने माथे। तो मैंने फिर केवल BSc किया उसके बाद और 2 साल उस डिग्री कोर्स लिया और फिर 69 में BSc कंप्लीट करके मैं समर्पित हो गई। तो बाबा पत्र लिखते थे, ये लाल अक्षर के पत्र बाबा के बहुत चेरिश करते थे सभी जो इनको बाबा पत्र लिखते थे। तो बाबा तो उर्दू में लिखते थे और फिर एक बहन उनका हिंदी करती थी, जो क्योंकि हम तो नहीं पढ़ सकते थे उर्दू तो हिंदी में करते थे। तो पांडव भवन जो यहाँ का मेन हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, वहाँ बाबा की एक झोपड़ी थी जहाँ बाबा बैठ करके ये पत्र लिखते थे और चारों ओर बगीचा है, बहुत सुंदर वातावरण है। आप पांडव भवन घूमने जाएंगे, जब माउंट आबू घूमेंगे, कोई तो घूम के भी आए होंगे, वो देखेंगे बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे। और एक हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा संदली पर बैठ करके वाणी चलाते थे। तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान है पांडव भवन में, आप देखेंगे तो इस हिस्ट्री हॉल में चारों ओर फोटोज़ लगे हुए हैं जो आपको अभी दिखा रहे हैं, वो हिस्ट्री है सारी, ये संस्था कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी। और तो ये हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में और ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, ये पलंग वही है जहाँ बाबा सोते थे, अभी तो वो एक मेडिटेशन रूम, बाबा का कमरा हम कहते हैं। और 18 जनवरी के दिन बाबा ने 93 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया, इसी पलंग पर ही बाबा बैठे थे और दादी प्रकाशमणि उनके सामने थी और कैसे एक सेकंड का खेल था, आत्मा उड़ गई। तो 93 ईयर्स तक बाबा इस साकार चोले में थे और अंत तक बाबा ऐसे खड़े होते थे, कभी बाबा ने लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी कमर नहीं झुकी, यानी इतनी बाबा की, क्योंकि शिव परमात्मा की उनमें वो शक्ति थी। और बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, 18 जनवरी 69, और 21 जनवरी को आश्रम के अंदर ही जो पांडव भवन है वहाँ उनके अंतिम संस्कार किए गए। और 18 जनवरी पर बहुत सारे लोग
आते हैं पांडव भवन में और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस स्मारिका का नाम शांति स्तंभ रखा है क्योंकि परमात्मा शिव ने शांति का संदेश पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया और इस पर जो एक बहुत सुंदर महावाक्य लिखे गए हैं कि भारत सर्व देशों में महान देश है और आबू सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि आबू से अब परमात्मा सारे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। तो 18 जनवरी पर भाई बहने आते हैं और पांडव भवन का पूरा अवलोकन करते, ब्रह्मा बाबा के ये चार धाम हम बताते हैं, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा जहाँ पर ये विचरण करते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। तो 69 में जैसे बाबा ने देह त्याग किया तो दीदी मनमोहिनी के साथ दादी प्रकाशमणि जी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर के संभाला और दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में 85 ईयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया। तो 69 से लेकर के पहले 83 तक जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो दादी और दीदी इन दोनों ने 69 के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। दीदी और दादी दोनों का अर्थ है बड़ी बहन, हिंदी में दीदी कहते हैं बड़ी बहन को और सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो दीदी और दादी ने ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, ये दो शरीर थे लेकिन जैसे एक आत्मा बन करके इस संस्था को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया और 70 के बाद कैसे विदेशों में हमारे सेवा केंद्र खुले और दीदी दादी और अन्य दादियां जो शुरू शुरू में आई उन सब के पालना में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ता गया। 1975 में हमारा पहला फॉरेन का डेलीगेशन आबू में आया और फिर तो चारों ओर विदेशों में भी बहुत सेवा केंद्र खुलते गए। पांडव भवन के सामने यह ओम शांति भवन है, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे, या यूनिवर्सल पीस हॉल है जहाँ 3000 भाई बहनें उस हॉल में बैठ सकते हैं और यहाँ हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए, संत सम्मेलन किए और यूनाइटेड नेशंस के हम मेंबर बने और वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन करने आते थे, यूएन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदि बहुत सारे आए। और ये ज्ञान सरोवर परिसर 91 में ये ज़मीन ली गई थी और 95 में इसका उद्घाटन हुआ। ये परिसर जो ज्ञान सरोवर का ये अकेडमी है, जिस अकेडमी में कल आपको परिचय मिला होगा या हमारे अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं। और 91 में माउंट आबू में अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तैयार हुआ बन करके, जहाँ एक ही अम्ब्रेला में मानो सारी पैथीज काम करती है और इसमें 60% समर्पित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है और अन्य स्टाफ है, 60% आर ऑल डेडिकेटेड और गांव-गांव में सेवा करते हैं और कई कैंप्स लगाते हैं यहाँ चारों ओर, क्योंकि ये जो एरिया है ये आदिवासी एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है राजस्थान का और पूरे जैसे रेगिस्तानी है, तो यहाँ पर बहुत प्रकार की बीमारियाँ होती है क्योंकि सूखा बहुत है। माउंट आबू तो लाइक ओएसिस इन अ डेजर्ट है, यहाँ बारिश बहुत पड़ती है, अभी तो वो भी कम हो गई जो आप देख रहे हैं, सारा जंगल ही सूखा है। लेकिन ये फिर जो आप जहाँ से आए होंगे आबू रोड से, वहाँ पर फिर हम लोगों ने और ज़मीन ली और बहुत बड़ा हॉल बनाया जहाँ 20,000 भाई बहनें बैठ सकते हैं, जिसका उद्घाटन 96 में किया गया और उसका नाम रखा डायमंड जुबली हॉल, क्योंकि डायमंड जुबली ईयर था वो 96, 60 साल हुए थे इस संस्था को, तो इसलिए इस हॉल में 20,000 लोग बैठ सकते हैं, इतना भव्य हॉल है वो। आप जब वापस जाएंगे या कोई देख के भी आए होंगे, शांति वन तलहटी है जहाँ से पहाड़ शुरू होता है माउंट आबू का, तो वहाँ अपना 70-80 एकर्स की
का बड़ा आश्रम है जहाँ कम से कम 15,000 भाई बहनें रह सकते हैं, तो ज़रूर आप देखने जाना। और वहाँ भी हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। दादी प्रकाशमणि जी ने 85 ईयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया 25 अगस्त 2007 को। तो कैसे दादी ने अपनी हड्डियाँ इस यज्ञ के अंदर दी और शांति वन का इतना विस्तार किया, देश विदेश का इतना विस्तार किया। तो दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में वहाँ नीचे शांति वन में प्रकाश स्तंभ बना है, जहाँ पर दादी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था। और अभी जो वर्तमान हमारी मुख्य प्रशासिका हैं वो दादी जानकी जी है। और दादी जानकी के साथ कैसे हमारी और भी कुछ दादियां हैं, और दादी जानकी जी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं, और दोनों दादियां मिलकर के ये प्रशासन संभालते हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी जब 9 साल की थी तब इस संस्था में आई, और कैसे बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई, अपनी माँ के साथ आई और उसके बाद तो समर्पित हो गई। अब बहुत शक्तिशाली ट्रांस मैसेंजर है, कैसे सूक्ष्म वतन में उड़ जाते हैं और शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे फरिश्ते रूप में उनका साक्षात्कार करते हैं, उनसे संदेश लाते हैं। और समय प्रति समय शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होते हैं और प्रवेश करके इनके मुख से वाणी चलाते हैं, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा की वाणी कहते हैं। और ये हम लाइव रिले करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। हो सकता आपने अपने घरों में या सेवा केंद्रों पर ये प्रोग्राम देखा हो। जिन्होंने देखा है हाथ उठाएं। ओ इतने सारे, अच्छा तो आपके लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन आप ज़रूर चाहते होंगे कि टीवी पर तो देखते हैं पर प्रैक्टिकल सामने भी आकर के वरदान प्राप्त करें, वो भी तो चाहते होंगे कि नहीं। हाँ वो भी चाहते होंगे, तो क्यों नहीं आ सकते हैं। हज़ारों भाई बहनें आते हैं तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी हमारे नियम हैं, उन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो अवश्य आ सकेंगे। और शांति वन में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं बाप दादा के। बाप दादा माना शिव परमात्मा बाप, और दादा माना ब्रह्मा बाबा भाई, आत्मा तो भाई है ना, परमात्मा तो एक है, वही आत्माओं का पिता है, तो उस हिसाब से बाप दादा हम कहते हैं। और हृदय मोहिनी दादी जिनको हम प्यार से गुलजार दादी कहते हैं, जब बाप दादा आते तो चेहरे में पूरा परिवर्तन आ जाता, आवाज़ में परिवर्तन, हर प्रकार से महसूस होता है ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शिव बाबा इनके द्वारा बोल रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारे अक्टूबर से लेके मार्च तक हर 25-30 दिन के बाद होते हैं, हर महीने महीने होते हैं। और कैसे देश विदेश के भाई बहने उस समय आते रहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है, कम से कम 1 साल कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में आप सेवा केंद्रों पर जाएं, ये बातों को और समझें। अभी तो आपको बस एक टेस्ट कराया थोड़ा सा, परंतु उसको अगर जीवन में लाना है तो आपको और समय चाहिए। तो अवश्य आप सेवा केंद्रों पर जाएं और वहाँ ये स्टडी करें, कुछ हमारे जो और नियम है, अन्न की शुद्धि, संघ की शुद्धि, ये कुछ नियम है वो पालन हो तो अवश्य आप दोबारा आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, हम तो कहते हैं आपका परिवार है, आपका घर है, ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय में हम सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और हमारा टीचर एक परम पिता परमात्मा है। अभी तक हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक ही है, और ये परिवार भी है, तो हम सब भाई बहनें एक पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।